मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। आजकल क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया? यस, आजकल बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे कि फिल्मों में तो मैं काम कर ही चुकी हूँ, बट मुझे लगा क्यों ना लाइफ में कुछ अच्छा भी किया जाए अपार्ट ऑफ फिल्म्स। तो फिल्म्स में तो हम सब एक्टिंग करते ही हैं, तो क्यों ना रियल लाइफ में कुछ रियल एक्टिंग की जाए, रियल अच्छा काम किया जाए। तो बस अब आजकल मैंने एक अपनी फाउंडेशन स्टार्ट की है जो मेरे नेचर से रिलेट करती है। मुझे लोगों की हेल्प करना हमेशा से ही अच्छा लगता रहा है, बचपन से ये मेरा एक नेचर कह सकते हैं, स्वभाव कह सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने बस कुछ कुछ लोगों की मदद करनी शुरू की और लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि हेमा जी आपको अपनी खुद की एक ऑन फाउंडेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सो नाउ आई जस्ट स्टार्टेड माई ऑन फाउंडेशन जिसका नाम है हेमलता चैरिटेबल फाउंडेशन। तो ये सब चल रहा है आजकल। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा काम करने के लिए आपको कहीं से किसी से भी आइडिया लेने की जरूरत नहीं होती। ये आपके इंटरनली एक फील हो जाती है, एक एक आभास हो जाता है, या मैं कह सकती हूँ कि ये ऊपर वाले ने मुझे इशारा किया कि हेमा अभी फिल्मों में काम बहुत हो गया, वायरल भाभी बन ली, चल अब इस जिंदगी का जो भी अब मेरे पास समय बचा है इसमें कुछ अच्छा कर ले। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये ऊपर वाले ने मुझे आइडिया दिया और ये फाउंडेशन भी जो है ये ऊपर वाले ने जो है खुलवाई है मुझसे कुछ अच्छा काम कराने के लिए। और मैं सच बताऊं तो मैं लाइफ में कभी इतनी खुश कभी नहीं हुई जितनी आज मैं ये फाउंडेशन के द्वारा जो भी मैं अभी इस वक्त मैं कर सकती हूँ, छोटी मोटी मदद जो भी मैं कर पा रही हूँ आज के वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि नाउ डेज आई फील दैट यू नो आई एम द हैप्पीएस्ट वुमेन ऑन दिस प्लैनेट, बिकॉज मदद करके जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, जो दुआएं दे रहे हैं वो पाकर मुझे ऐसा लगता है कि येस नाउ माई लाइफ इज सक्सेसफुल एंड आई अचीव जो भी मुझे चाहिए था। जी कमर्शियल लोगों को मदद करना आपके बचपन स्वभाव नहीं था, तो अभी क्या विजन है जो नया आपने तैयार किया अपनी लाइफ के लिए? बस मेरा जो मेन मोटिव है वो एजुकेशन है एंड वुमेन एम्पावरमेंट है। मैं खुद भी एक औरत हूँ तो औरत के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ और समझती हूँ, बात चाहे प्रोफेशनली हो, चाहे बात पर्सनली हो, चाहे बात फाइनेंशियली हो। और एजुकेशन को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान को एजुकेट होना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ आपको छोड़ के जा सकती है अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं तो आप कहीं से भी अपनी कहानी अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। और इस फाउंडेशन को जब से मैंने शुरू किया है मुझे बहुत बेहद दुखद के साथ ये बताना पड़ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना एजुकेशन के जी रहे हैं, उन्होंने पहली दूसरी तीसरी उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। तो मैं जब आज उनसे मिल रही हूँ तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे यहाँ तक कि 17 से 18 साल के लड़के भी वो भी पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटे बच्चों की तो बात छोड़िए। तो मेरी फाउंडेशन मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है, स्पेशली बच्चों के लिए, स्पेशली औरतों के लिए। तो क्या फिल्मों से जुड़ी रहेंगी कि अभी फिल्मों से आपका नाता दूर हो जाएगा या टूट जाएगा, कुछ ऐसा है कि सब्जेक्ट पे भी काम करेंगे, अपने प्रोफेशन पे भी काम करेंगे, अपनी लाइफ को भी देखेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन बहुत बड़ा जिम्मेदारी है आपके ऊपर? यस, जिम्मेदारी एक ऐसा जिम्मेदारी है कि मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं एक ऐसी चेयर पे बैठ गई हूँ जहाँ पे मुझे लोगों के कितने फोन आ रहे हैं, इतने फोन आते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इजी भी नहीं है अकेले सब लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना, सब लोगों तक अपनी मदद पहुंचाना। जैसे आपने पूछा फिल्मों का, तो फिलहाल तो मैंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया है क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं है। अगर मैं फिल्मों में शूटिंग करूंगी तो जो ये फाउंडेशन मैंने खोला है तो मैं लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। तो यस, आई कैन से कि राइट नाउ आई हैव टेकन अ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम माय फिल्म इंडस्ट्री और अब मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं अपने जीवन की कहानी
कहानी इतनी पावरफुल बनाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि एक डायरेक्टर मेरी लाइफ की स्टोरी पे फिल्म बनाए, और मेरी लाइफ की कहानी से ज्यादा जरूरी लोगों की जिंदगी है। तो फिलहाल तो मैं लोगों की जिंदगी में प्यार देने के लिए ज्यादा बिजी हूँ, बट यस मैं मिस भी करती हूँ मेरे कैमरा को, मेरे शूटिंग्स को, मेरे मेकअप को, और जो हमारी बॉलीवुड की जो लाइफ है उसको भी मैं मिस करती हूँ। बट यस आई एम क्वाइट हैप्पी ऑल्सो, बिकॉज अभी मैं एक रियल लाइफ जी रही हूँ, लोगों की लाइफ में कितना गम है, कितने खुशी है, क्या क्या चीजें मिसिंग है, क्या किसी की जिंदगी में मेरी फाउंडेशन के थ्रू क्या बदलाव हो सकता है। तो फिलहाल तो मैं ये सब बातों में ज्यादा बिजी हूँ, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी and I'm quite satisfied also with this my big responsibility. और आने वाले कुछ प्रोजेक्ट क्या आपका काम चल रहा है फिल्म से रिलेटेड या आपने कुछ छोड़ दिया है? नहीं, मैंने जैसे बताया कि अभी तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, अभी मैं फिलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने जो बीड़ा उठाया है, जिम्मेदारी उठाई है, इसको मैं 100% या 200% टाइम देना चाहती हूँ, एंड आई एम गिविंग। बट जो मेरे जितने भी बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितने भी दोस्त रहे हैं, इवन दे आर ऑल्सो हैप्पी टू नोइंग दिस कि भाई मैंने ये अपनी फाउंडेशन खोली है, एंड आई एम सोशल मीडिया पे अगर बात करूँ तो बहुत श्योर है मेरी फाउंडेशन से, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, लोग मेरे फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं। बट अभी मैंने शुरू की है तो बहुत थोड़ा सा जल्दी है कोई भी डिसीजन लेने में। अभी तो फिलहाल मैं 6 महीना कम से कम 6 मंथ मैं सिर्फ अपनी फाउंडेशन को देना चाहती हूँ, और मैं दिन रात मेहनत करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।